सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी होने के बाद पक्ष विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है और गिरफ्तारी को गलत बताया। वहीं जाप नेता सर्वेश्वर सिंह ने कहा है कि यह बहुत ही गलत हुआ है। पप्पू यादव हमेशा से गरीबों के लिए काम करते आए हैं। सरकार ने उनकी गिरफ्तारी कर गरीबों की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। आइए आपको सुनाते हैं हम जाप नेता सर्वेश्वर सिंह ने क्या कुछ कहा। आज सुबह से जो नौटंकी चल रही है और किस तरीके से श्री पप्पू यादव जी पूर्व सांसद को जो है सेवा के क्षेत्र से अलग किया जाए, सरकार ने अपनी अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा दी। आज जो है सुबह में जब उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उनको लेकर के लोग गए तो 5-6 घंटे तक इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था और ये इंतजार कर रहे थे अपने जो है ऊपर के पदाधिकारी और सरकार के मंत्रियों का कि क्या दफा लगाया जाए। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा तो आज से 31-32 साल पहले का एक केस उठाकर लाए मधेपुरा जिला का। ये केस पिछले चुनाव के समय में भी ये केस को इन लोगों ने थोड़ा बहुत जो है इसकी बात कही थी, मगर चूंकि पप्पू जी जो है सो ये चुनाव हार गए तो ये केस शांत हो गया था। और अभी जो है जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो केस को लेकर के आए हैं। उस केस में श्री पप्पू यादव जी को जो है ये कहा गया है कि ये केस की तारीख नहीं किए एब्सकॉन्डर थे। आप मुझे ये बताएं कि क्या एक सांसद एब्सकॉन्डर हो सकता है? इस पिछले 30-32 साल में कई दफा वो सांसद रहे, अलग अलग पदों पे रहे और हमारी पुलिस तंत्र जो है उन तक इस केस का नोटिस नहीं पहुंचा सकी। ये सब एक सिर्फ साजिश के तहत किया जा रहा है और मुझे भय है कि कोई अप्रिय घटना जो कि इस सरकार की फितरत रही है कि अगर ये किसी से कार्य में नहीं जीत सकते हैं तो फिर जो है और भी रास्ते इन लोगों के पास हैं और ये सरकार जो है असंवैधानिक तरीके से कुछ भी कर सकती है। आज ये गिरफ्तारी जो है लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र पूरी तरह इन लोगों ने समाप्त करने का बेरा उठा लिया है। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि इन लोगों की बात में आएगी और ये जो है ये एक आत्मघाती कदम है एनडीए गवर्नमेंट के लिए बिहार में। ये आपको आगे चलकर खुद ब खुद मालूम चल जाएगा।